नमस्कार दोस्तों, एम एस स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज जो हमारा वीडियो का टाइटल है कि तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफंड आता है, कितने दिन में रिफंड आता है आपके अकाउंट में, रेलवे द्वारा कितना चार्ज काटा जाता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रखिए और प्रॉपर तरीके से देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मेरे मोबाइल फ़ोन में है IRCTC का एप्लीकेशन, इसको मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लॉगिन हो गया। फ्रेंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो तत्काल टिकट का जो रिफंड होता है सिर्फ वेटिंग के कंडीशन में आता है, यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है, आपका टिकट कंफर्म है, तो आप कैंसिल करेंगे तो आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेगा। यानी तत्काल टिकट कैंसिल करने पर उसी कंडीशन में आपको पैसे मिलते हैं जब आपका टिकट वेटिंग हो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं, ट्रेन पे क्लिक करते हैं, माय बुकिंग, यहाँ कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 13 मार्च को एक टिकट हमने बुक किया था, कैफियत एक्सप्रेस का थर्ड AC का टिकट। इसको ओपन करते हैं, आपको क्लियर यहाँ पर दिखेगा। 13 मार्च को हमने टिकट बुक किया था, हमें 14 मार्च को यात्रा करनी थी, लेकिन वो तत्काल टिकट यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड AC तत्काल, लेकिन वो टिकट वेटिंग में था। 1440 रुपये और 75 पैसे लगे थे, ठीक है फ्रेंड। 1440 रुपये 75 पैसे में थर्ड AC का टिकट बुक हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन वो टिकट क्या हुआ, कन्फर्म नहीं हुआ और चार्ट बनने के बाद ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो गए। तत्काल टिकट अगर वेटिंग में है आप कैंसिल करेंगे तब भी रिफंड आएगा, अगर वो चार्ट बनने से पहले कंफर्म नहीं होता है तो रेलवे द्वारा ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कैंसिलेशन का जो मेल आता है रेलवे के द्वारा उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट योर टिकट अगेंस्ट PNR नंबर इतना हैज बीन कैंसिल सक्सेसफुल्ली। द रिफंड अमाउंट ऑफ 1340 विल बी रिफंडेड बैक टू योर रिस्पेक्टिव अकाउंट शॉर्टली। यानी 1440 रुपये 75 पैसे के अगेंस्ट 1340 रुपये रेलवे द्वारा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कितना पैसा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। और ये 1340 रुपये कहाँ आएंगे, क्योंकि जिस समय हमने टिकट बुक किया था, अगर हमने क्रेडिट कार्ड से बुक किया है, पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, फ़ोनपे से, यानी जिस सोर्स से पैसा कटा उसी सोर्स में रिटर्न आएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा फ्रेंड कि कितने दिन में वो रिटर्न आएगा, तो जनरली 7 वर्किंग डेज लास्ट होता है, 7 वर्किंग डेज में। और वर्किंग डेज क्या, यानी बैंक वर्किंग डे, 7 बैंक वर्किंग डेज में वो रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपने पेटीएम से टिकट बुक किया है यानी वैलेट से, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर ही आ जाता है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफंड आता है, कितना चार्ज करता है और कितने दिन में आपका रिफंड आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।